देखिए इसके बाद में बहुत सारी एप्लीकेशंस है, लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, उनको डायरेक्टली लिखा हमने, और कुछ की हम प्रूफ देंगे नहीं क्योंकि जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कर चुके हैं उस टाइप का वर्क। सपोज इक्वेशन ऑफ कॉड ऑफ कॉन्टेक्ट रिक्वायर्ड होती है, इक्वेशन ऑफ दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन, इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉड ऑफ कॉन्टेक्ट टेंजेंट्स आर ड्रॉन, राइट, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम X1 Y1। तो सेम चीज मैं सर्किल में भी कर चुके हैं, तो ये चीज पता ही है कि टी इक्वल टू जीरो से इसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो आप जानते हैं अच्छी तरह से, दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट X1 Y1, एंड इफ यू ड्रॉ द टेंजेंट लाइंस, दो टेंजेंट लाइंस ड्रॉ करेंगे, दिस इज द PT, PQ एंड लेट्स से PR, टू टेंजेंट्स, एंड द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज नोन एज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट एंड गिवन बाय टी इक्वल टू जीरो। नाउ इट्स ये इक्वेशन जो है इसकी PR, R पॉइंट है यहाँ पे, तो इस इक्वेशन को हम लिखते हैं कैपिटल टी इक्वल टू जीरो से, और इलिप्स के केस में वापस वो ही हो जाएगा। सपोज X²/A²/Y²/B² = 1, अगर मान लीजिए ये स्टैंडर्ड इलिप्स है, तो स्टैंडर्ड इलिप्स के लिए टी इक्वल टू जीरो लिखेंगे, इसके लिए X X1/A² + Y Y1/B² = 1। नाउ यू कैन टेक द -1 दिस साइड, अगर उसको टी वैल्यू लिखना है तो ये हो जाएगा, एंड टी इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, राइट। सो वेरी मच क्लियर, तो ये पॉइंट एक क्लियर हुआ, और दूसरा पॉइंट था इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद अ मिड पॉइंट एट द X1 Y1। देखिए उस कॉर्ड की इक्वेशन बनानी है जिसका कि मिड पॉइंट X1 Y1 गिवन हो। सो सेकंड पॉइंट, कॉर्ड उस मिड पॉइंट इज गिवन, लेट्स से दिस इज द X1 Y1 मिड पॉइंट, एंड फॉर द इलिप्स, द सेम इलिप्स X²/A²/Y²/B² = 1, और उस इलिप्स के लिए इक्वेशन ऑफ कॉर्ड कॉर्ड ऑफ उसकी लिखनी है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, दिस कॉर्ड इज देयर हुज मिड पॉइंट इज गिवन, राइट। तो देखिए विद द मिड पॉइंट X1 Y1 एंड दिस कॉर्ड इज गिवन बाय कैपिटल टी इक्वल टू S1। ये बिल्कुल जनरल वर्कआउट है, जनरल फॉर्मेट है, सभी कॉनिक सेक्शन पे एक जैसा काम करता है। तो ये जो एप्लीकेशंस है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट है, एंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, वो भी हम लिखने वाले हैं S S1 = T² से। तो ये जस्ट खाली मैं इसको आपको रिमाइंड करा रहा हूँ और इसको रिपीट ही कर रहा हूँ पॉइंट्स को, अदरवाइज हमें पता ही है कि किस तरह से लिखना है, राइट। सो दिस इज गिवन बाय द T = S1, और T अभी हमने लिखा ही था, T तो था X X1/A² + Y Y1/B² - 1। S1 वैल्यू वो होगी इस पूरे कॉनिक में, इसको आप 1 को इधर ले आओ पहले, X²/A²/Y²/B² - 1, दिस बिकम्स द कैपिटल एस वैल्यू, राइट। उसमें जो पॉइंट प्लेस कर देते हैं, सो पॉइंट जैसे ही प्लेस कर देते हैं, S1 बन जाता है, जैसे X1²/A²/Y1²/B² - 1, और ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। सो दिस इज द S1 वैल्यू, X1²/A²+Y1²/B² - 1। आप -1 थोड़ा अपने उसको कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हटा भी सकते हैं अगर इस तरह से आ रहा है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज X1 Y1, राइट। X X1/A²/Y Y1/B² = जैसे X1²/A²/Y1² / B², दिस इज द कॉर्ड, राइट। ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी। सो दिस इज द मेन पॉइंट, इट इज टी इक्वल टू S1, यही काम करता है, सभी में एक ही काम करना है, खाली कॉनिक ही चेंज करेगा, बाकी तो सेम ही उसी तरह से हर बार लिखते जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में आती नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। सो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि फ्रॉम द आउटसाइड पॉइंट टेंजेंट्स आर ड्रॉन, और उन टेंजेंट्स की दोनों की इक्वेशन देता है वो, राइट। तो देखिए डायग्राम इसका इस तरह से होता है, फ्रॉम द आउटसाइड पॉइंट दिस इज द X1 Y1 पॉइंट, और इस X1 Y1 पॉइंट से इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, अगेन टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन, राइट, दीज टेंजेंट्स आर ड्रॉन,
और इन टेंजेंट्स पे इनकी इक्वेशन है एक्चुअल में, दिस इज पी क्यू पी आर। सो कंबाइंड इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पी क्यू एंड पी आर, दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन राइट गिवन बाय एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। सो दिस इज अगेन गिवन बाय एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू लिख देंगे डायरेक्टली। आपको इसका पता है कि इलिप्स दे रखा है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन, दिस इज द इलिप्स गिवन। राइट डाउन द ऑल द थिंग्स, कैपिटल एस वैल्यूज में डेफिनेटली माइनस वन होता है, माइनस वन इक्वल टू जीरो, सो दिस बिकम्स द कैपिटल एस वैल्यू, ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। सो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस वन, ये वैल्यू हो गई आपकी एस, कैपिटल एस वैल्यू राइट। एस वन है तो इसी में ये पॉइंट प्लेस कर देंगे, एक्स वन स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, वाई वन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस वन, दिस इज एस वन। और टेंजेंट अभी हमने बनाया था एक्स एक्स वन बाय ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन बाय बी स्क्वायर माइनस वन, दिस इज द टेंजेंट, और इसका पूरे का होल स्क्वायर लिख देंगे। सो दिस बिकम्स द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स राइट। और वो अगर आप इसमें वैल्यूज दे रखी हैं ए और बी की, और पॉइंट एक दिया हुआ है, स्पेसिफिक पॉइंट गिवन है, सो देन इट इज वेरी इजी टू सिंप्लीफाई दिस। ये पेयर ऑफ इक्वेशन जो बनेगी वो आसानी से एक फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये दिस इज द पेयर ऑफ टेंजेंट। इसके बाद में नेक्स्ट ये वाला जो इक्वेशन आ रहा है, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। दीज एप्लीकेशंस वी ऑलरेडी नो, ये सब हमने जल्दी जल्दी कवर कर दिया राइट। नेक्स्ट एप्लीकेशन आ रही है कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी अल्फा एंड क्यू बीटा राइट। इन दोनों कॉर्ड, इनको ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी है, सो दैट इज गिवन बाय द टू पॉइंट फॉर्म। तो देखिए डायग्राम तो मैं थोड़ा इसका यहाँ बना दूँ, कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होगी इसमें राइट। सो लेट्स से टू पॉइंट्स आर पी अल्फा, पी अल्फा पॉइंट है, तो पी अल्फा पॉइंट को अगर आप लिखोगे एक्सटेंडेड फॉर्म में, सो ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा होगा राइट। एंड अनदर पॉइंट लेट से इट इज द क्यू पॉइंट एंड बीटा, क्यू बीटा मीन्स दैट पॉइंट इज, लेट से इट इज द क्यू बीटा पॉइंट, और क्यू बीटा पॉइंट आप लिखोगे दैट इज द ए कॉस बीटा एंड बी साइन बीटा राइट, दिस इज द सेकेंड पॉइंट। नाउ यू रिक्वायर द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स राइट। सो ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन रिक्वायर्ड है ये वाली, एंड दिस इज गिवन बाय दिस, दिस इज एक्स बाय ए कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय टू प्लस वाई बाय बी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय टू इक्वल्स टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय टू। तो इसका हम प्रूफ ले रहे हैं, ये हमें कैसे मालूम, निकालना पड़ेगा इसको राइट। सो रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स राइट, वो पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी अल्फा एंड क्यू बीटा, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन है। टू पॉइंट फॉर्म से लिखा जाएगा इसको, टू पॉइंट फॉर्म से लिखा जाएगा, जैसे हम इनिशियली जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखते थे, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू दो पॉइंट्स दिए होते थे, तो हम डायरेक्टली लिखते थे उसको y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वही सेम कॉन्सेप्ट है, और उसको फिर हमें सिंप्लीफाई करके इसको प्रूव करना है कि ये इस तरह से आएगी, ठीक है ना। सो डायरेक्टली देखिए स्टार्ट करते हैं, दिस इज द y माइनस वाई वन, वाई वन पॉइंट आप ले लेंगे ये, दिस इज द b साइन अल्फा राइट इंटू वाई टू माइनस वाई वन। नाउ दिस इज लाइक ना एक्स वन वाई वन, तो ये एक्स टू वाई टू है, तो वाई टू माइनस वाई वन बी साइन बीटा माइनस बी साइन अल्फा राइट डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, सो दिस इज ए कॉस बीटा माइनस का ए साइन अल्फा राइट। एक्स माइनस एक्स वन मीन्स एक्स माइनस ए कॉस अल्फा, ये हमने लिख दिया सारा। इसको अब आपको मेन वर्क वही है, सिंप्लीफाई करना है और इस फॉर्मेट में लाना है, इस तरह से दिखना चाहिए राइट। तो वही चीज है, इसको सिंप्लीफाई वाला काम है इसका। सो दिस इज बी इज कॉमन एंड दिस इज साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, नीचे ए कॉमन आ जाएगा,
this is the cos beta minus cos alpha, right? X minus a cos alpha. Now second is y minus b sin alpha, right? इसमें मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, दोनों में माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो हम एक ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूला है उसका साइन सी प्लस साइन डी का, और साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये चार फॉर्मूले हैं, इनका यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। इसको बी अगर दोनों से माइनस कॉमन ले लें, साइन अल्फा विल बी फर्स्ट एंड दिस इज साइन बीटा, और नीचे भी ऐसे हो जाएगा, दिस इज कॉस अल्फा माइनस कॉस ऑफ बीटा, राइट, एंड एक्स माइनस ए कॉस अल्फा। इसके बाद में आप आ जाइए वाई माइनस बी साइन अल्फा इक्वल्स टू, राइट, बी इज देयर साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला कॉस से चालू होता है, तो उसको आप लिखते हो टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू और साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू, दिस इज द कॉस साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला, और नीचे जो है ए है एंड दिस इज टू टाइम्स कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्मूले दोनों साइन से रहते हैं, सो दिस इज टू साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू अल्फा प्लस बीटा बाई टू एंड साइन ऑफ डी माइनस सी बाई टू, यहाँ उल्टा होता है, यही इस फॉर्मूले में याद रखने वाली बात होती, कॉस सी माइनस कॉस डी इज गिवन बाय टू साइन सी प्लस डी बाई टू इन टू साइन डी माइनस सी बाई टू, तो सेकेंड वाले में जो है डी में से सी माइनस होता है, यहाँ पे भी आपका हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा बाई टू, राइट, इन टू एक्स माइनस ए कॉस अल्फा, राइट, तो इसमें एक टू कैंसिल हो जाएगा, राइट, एंड वी कैन कैंसिल दिस वैल्यू विद दिस वैल्यू, ये साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू है, साइन बीटा माइनस अल्फा बाई टू है, और अंदर से अगर माइनस कॉमन लें तो देखिए आपको पता है कि साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है, दैट्स वाई वी कैन कट दिस, बट माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे एंड देयर विल बी माइनस साइन हियर, राइट, और उसके बाद में एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई इसको ले जाते हैं इधर, सो दिस इज ए वाई साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय टू, राइट, एंड माइनस ए बी साइन ऑफ अल्फा इज देयर, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, और ये जो माइनस है ये इसके साथ हम रख देंगे, ठीक है, सो इट कैन बी रिटन एज द माइनस इक्वस टू माइनस बी एक्स, माइनस बी एक्स, दिस इज माइनस बी एक्स एंड कॉस ऑफ अल्फा बाई टू, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय टू एंड माइनस माइनस प्लस, नाउ इट कैन बी रिटन एज, यहां से आएगा प्लस का बी कॉस अल्फा बाई टू आ जाएगा और ये एक्स माइनस ए कॉस अल्फा लिखा हुआ है, इसको मैं क्लियर लिख दूंगा, ये माइनस का ए कॉस ऑफ अल्फा है, सो अगेन माइनस माइनस प्लस एंड दिस बिकम द ए बी कॉस अल्फा एंड कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, अल्फा प्लस बीटा बाय टू, ये हो जाएगा, राइट, अब एक काम करेंगे कि इसको इस पोर्शन को हम इधर लाते हैं, देखिए कहीं ना कहीं हमें पता है कि डेरिवेशन जो हम दिखाना चाह रहे हैं वो ये है, x बाय कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय टू, y बाय बी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय टू, ये चीज आनी चाहिए, तो ये पूरा पोर्शन मैं इधर ले लेता हूँ, ये हो जाएगा आपका बी एक्स कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय टू, राइट, एंड प्लस ए वाई, दिस इज ए वाई साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, राइट, और ये पूरा पोर्शन हम इधर ले जाएं, तो इसमें ए बी कॉमन भी आ रहा है, ए बी कॉमन आएगा तो कॉस ऑफ अल्फा बचेगा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, राइट, और प्लस का साइन अल्फा आएगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय टू, राइट, दिस इज देयर। अब खाली एक काम करना है आपको, इसमें फॉर्मूला लग रहा है, देखिए फॉर्मूला ये लग रहा है, दिस इज ए बी इंटू कॉस डी प्लस साइन सी साइन डी, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कॉस ए कॉस बी प्लस, दिस इज इक्वल्स टू कॉस सी कॉस डी प्लस
साइन सी साइन डी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी फॉर्मूला लगता है इसमें, कॉस ए माइनस बी एक्चुअल कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी, दिस इज अगेन वन फॉर्मूला, और माइनस में यहाँ प्लस आता है ये हमें पता है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से यहाँ पे आप लिखोगे दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कॉस ऑफ ए माइनस बी, और ए की जगह अल्फा आ रहा है, माइनस बी की जगह अल्फा प्लस बीटा बाई टू आ रहा है, राइट। इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, ए बी इंटू कॉस ऑफ, ए बी इंटू कॉस ऑफ टू अल्फा माइनस बीटा बाई टू, राइट। और ये वैल्यू हो जाएगी ए बी कॉस ऑफ दिस इज अल्फा माइनस बीटा बाई टू। तो देखिए हम पहुंच गए यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा बाई टू पे। अब इसके बाद में नो जो भी प्रूफ करना था ऑलरेडी कंप्लीटेड है ऑलमोस्ट, राइट। व्हाट यू हैव टू डू, इसको खाली आप ऐसा लिखेंगे, देखिए ये पोर्शन लिखा हुआ है बी एक्स कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस ए बाई साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, राइट, इक्वल्स टू ये आ गया आपका ए बी साइन ए बी कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू, राइट। इफ यू डिवाइड द होल पोर्शन बाय द ए बी, राइट, ए बी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बनेगा एक्स बाय ए कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय टू प्लस वाई बाय बी हो जाएगा एंड साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय टू इक्वल्स टू इट इज डिवाइडेड बाय ए बी, तो इस तरफ खाली कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय टू बचेगा, राइट। एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड, एक्स बाय ए कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय टू, y बाय बी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू, सो दिस इज द रिक्वायर्ड कॉर्ड, राइट। दिस कॉर्ड व्हेन टू एंड्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टू एंड्स इन पैरामेट्रिक फॉर्म इज गिवन डायरेक्टली यू कैन राइट बाय दिस फॉर्मूला, सो दिस इज द रिक्वायर्ड कॉर्ड, ठीक है। और जो लास्ट एप्लीकेशन है ये वाले, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट द पी अल्फा एंड क्यू बीटा। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन हमने ऑलरेडी लिखी हुई है, एक्स बाय ए कॉस थीटा वाई बाय बी साइन थीटा। तो पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए दो टेंजेंट्स हैं, इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया, सेकेंड इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया, और ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है, दिस इज द पी अल्फा दिस इज द क्यू बीटा, राइट। तो ये चीज हम ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं, राइट। जो टेंजेंट लाइन बनेगी वो बनेगी एक्स बाय ए कॉस अल्फा वाई बाय बी साइन अल्फा इक्वल्स टू एक्स बाय ए कॉस अल्फा वाई बाय बी साइन अल्फा इक्वल्स टू वन, एंड दिस इज अगेन एक्स बाय ए कॉस अल्फा कॉस बीटा, यहाँ बीटा एंगल है, बीटा एंगल अटैच कर देंगे, वाई बाय बी साइन बीटा इक्वल्स टू वन। और जब दोनों को सॉल्व किया जाता है इन दोनों को, तो इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा डायरेक्टली, वो इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये लिखा जा सकता है, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, दिस इज ए कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू कॉमा दिस इज द कॉमा हियर बी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ये आपको याद रखना है। अगर डायरेक्टली दो टेंजेंट्स में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, अदरवाइज यू हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस टू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। इसके बाद में ये जितने भी कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस लेते हैं आगे।